हेलो बच्चों, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। एन इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन अ सर्कल अराउंड अ न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज जेड ई। करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज। देखिए, सबसे पहली बात ना कि न्यूक्लियस को हम लोग ड्रॉ करते हैं पूरा। यहाँ पर एटम को देखिए, तो यहाँ पर ये हो गया न्यूक्लियस का पार्ट, है ना। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये प्रोटॉन है, ठीक। इसके अंदर ये प्रोटॉन है यहाँ पर, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन तभी हो सकता है जब टुवर्ड सेंटर कोई फोर्स काम करेगा। सर्कुलर मोशन पे ये इलेक्ट्रॉन तभी रिवॉल्व कर सकता, मतलब मूव कर सकता है ना, जब टुवर्ड सेंटर की फोर्स काम करे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खुद एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कैसा फोर्स काम करेगा? तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स। वो भी अट्रैक्टिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा और प्रोटॉन पे इधर लगेगा। तो प्रोटॉन तो फिक्स है, मूव कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इस पर फोर्स देखें तो कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स सेंटर। तो अगर टुवर्ड्स सेंटर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड सेंटर काम कर रहा है। तो के इंटू जेड ई, क्योंकि प्रोटॉन हो गया, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इसका रेडियस, मान लीजिए आर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एक आर से आर कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ से वी स्क्वायर क्या मिलेगा? के इंटू जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, क्योंकि आपको टोटल एनर्जी चाहिए ना, तो टोटल एनर्जी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आप आराम से लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? के इंटू जेड ई, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए जो भी साइन होगा चार्ज का रखना पड़ेगा, बट फोर्स में रखने की जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? बिकॉज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ से, और ये डिस्टेंस कितना है? आर। तो पोटेंशियल एनर्जी तो अपने को मिल जाएगा यहाँ से, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। बट काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तभी जाके आप टोटल एनर्जी निकाल पाएंगे। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो हाफ इंटू एम, और वी स्क्वायर कितना रखोगे आप? के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। तो एम से एम कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? के जेड ई स्क्वायर बाई ट्वाइस आर, ठीक है। इसको उठा के आप इस टोटल एनर्जी में डाल दीजिए, तो टोटल एनर्जी में रखेंगे आप माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर प्लस के जेड ई स्क्वायर बाई टू आर। तो अब यहाँ से आप के जेड ई स्क्वायर बाई आर कॉमन कर दीजिए, तो माइनस वन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे आप, तो आपको देखिए क्या मिलेगा। आपको मिलेगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई ट्वाइस आर, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी हो गया। तो अब हम लोग से पूछा गया कि रिलेशन क्या होगा, है ना। देखिए, टोटल एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल का आधा है, पोटेंशियल जो भी है ना उसका देखिए हाफ है ये। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर कि माइनस यू बाई टू, ठीक है, सॉरी माइनस यू बाई टू, माइनस नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव तो यहाँ पर भी है ना, ठीक है। तो माइनस नहीं आएगा, यू बाई टू आएगा ओनली। दैट मीन्स कि यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? ट्वाइस ई। तो ये रिलेशन आ जाएगा, यू इज इक्वल टू ट्वाइस ई। तो देखते हैं, यू इज इक्वल टू ट्वाइस ई, ठीक है, या फिर ठीक है, यू इज इक्वल टू ट्वाइस ई। तो ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर।